I. आपका अपॉइंटमेंट है हेयर कट का? यस ओके ओके बैठ प्लीज बैठ। हेयर कट करना है आपको? यस ओके। तो आपके बाल तो ब्यूटीफुल लंबे हैं लेकिन थिन हैं थोड़े, है ना? हाँ, तो मुझे थोड़े छोटे करने हैं। ओके एंड फ्रंट से मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, वो जो बहुत ज्यादा ये थोड़ा चेहरा शार्पन हो जाए, फेस स्ट्रक्चर थोड़ा दिखने लगे, है ना? ओके तो मैं आपके बाल अब ज्यादा बहुत ज्यादा छोटे मत इतने कर दूं? नहीं उतने छोटे मत कर, ब्लंड में नहीं जाएंगी? नहीं ब्लंड करके यहाँ से रेजर कर देंगे तो बेच नहीं, नहीं इतना छोटा नहीं जी। अच्छा अब वो कुछ लेयर्स आते हैं ना, लेयर्स में कर दूंगा। कितना काट? हाँ ठीक है ओके फाइन। तो हम शुरू करते हैं आपका हेयर कट। बाल का टेक्सचर बहुत ही सुंदर है आपका, बाल का टेक्सचर बहुत ही सुंदर है लेकिन ये थिन हो रहा है। अगर आप उनको थोड़ा छोटा करेंगे तो बाल बहुत जल्दी से बढ़ जाएंगे, लंबे हो जाएंगे और आपके बाल और सुंदर दिखेंगे। अभी क्या है, थोड़े दिन के बाद ना देखिए यहाँ से भी ब्रेक खोने लगे बाल आपका, आपका एक हेयर जो ना नीचे तक नहीं आ रहा है, यहाँ से टूट जाता है देखिए, है ना? ये सिर्फ इसलिए टूट रहा है क्योंकि आपका जो रूट है वो थिन हो गया, पतला हो गया है। क्योंकि आपका फेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इतना छोटा और आगे से फ्लिक ऐस कर दूंगा तो अच्छा लगेगा। तो चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करता है आपके बारे में। आपको जो अच्छा लग रहा कर दीजिए। ये बताइए बाल बनाते बनाते आपसे कुछ बातें भी करते रहते हैं, ठीक है? सबसे अच्छा हेयर स्टाइल आपको कौन सा लगता है, मतलब जो आपका कभी मन किया हो कि ये मेरा ये हेयर कट होना चाहिए? मुझे फ्रंट लेयर्स अच्छे लगते हैं, एक बार मैंने कराया था बहुत टाइम पहले, वो बहुत अच्छा लग रहा था बट फिर उसके बाद कभी कराया नहीं, वो बाल बढ़ते गए बढ़ते गए। तो फेदर कट तो एकदम नेक तक होता है ना, जो एक्चुअल फेदर कट? नहीं मैंने थोड़ा लॉन्ग रखा था, लेंथ छोटा नहीं किया था। नहीं जो एक्चुअल फेदर कट है ना वो नेक लेंथ से होता है और तभी उसमें वो फेदर जैसे वो कबूतर के पर होते हैं ना ऐसे फुलाते हैं वो लोग, तो वो एक हेयर कट बिल्कुल वैसा ही नजर आता है, तब दिखता है। बहुत टाइम पहले करा था, उसके बाद से सिर्फ ट्रिमिंग होते हैं बाल और हेयर कट करा दी। इसलिए ये बात तो आपको कैमरा बोलना चाहिए। हाँ फिर तो बहुत पहले हमने हेयर कट वो कराया था, उसके बाद क्या हुआ? मैंने 7 इयर्स पहले हेयर कट कराया था और 6 साल
फेदर कट 7-8 इयर्स बैक और उसके बाद फिर सिर्फ ट्रिमिंग कराती हूँ अपने बालों की फ्रंट लुक या बैक स्टेप्स वगैरह कभी कुछ कराई हूँ सीरियसली मुझे तो 10th स्टैंडर्ड की चोटियां याद आ रही है अभी अगर घर में बनाऊंगी तो दो चोटी बाल कटने के बाद तो नहीं बना पाएंगे आप क्लिप लग जाएगा पॉइंटर बन जाएगी छोटी बनेगी तो उसमें से लेयर्स निकलेंगे बच हीरोइन टाइप लग रही हैं ऐसे करती थी मैं ऐसे छोटी करती ओह अच्छा ये डिजाइन है कैसे इतनी छोटी करके इसे देखो ओके बहुत ज्यादा लंबे बाल मेंटेन करना भी मुश्किल है बहुत मुश्किल होता है अब मैं आपको बनाने जा रहा हूं फ्रेंच छोटी फ्रेंच छोटी के बाद मैं आपके बाल सोच लीजिए कितना काम करते थे कितना काम करते थे फ्रेंच छोटी बनाता था लड़कियों की बाद में एक बार तो डिमांड में आने लगी थी ना वो क्या नाम था उसका जो भी अमेरिका चली गई लड़की आपको पता है फ्रेंच छोटी शायद मेरे बालों में किसी ने सेकंड टाइम बनाया होगा मुझे खुद तो आती नहीं और मैं कभी खुद से मतलब किसी और से करा नहीं पाती थी सीरियसली मेरा मन चेंज हो जाएगा बाल बहुत छोटे करने का नहीं फ्रेंच छोटी से बन जाएगी मैंने दो घंटा तीन तीन लगातार शूट किया स्कूल में थी किसकी मेरी घर में किसी की तो भी शादी थी और मैंने फ्रेंच छोटी की थी रिसेप्शन में और मेरी छोटी खुले नहीं इसके लिए मैं अगले दिन बिना हेयर ठीक किए वैसे ही स्कूल चली गई थी फ्रेंच छोटी ले करके कि वो खुल जाएगा तो कौन बनाएगा दोबारा सच में ऐसा एक बार एक दुल्हन ने मेरे मेकअप में किया था उसकी नाक मैंने खड़ी कर दी थी मेकअप में उसने दो दिन मुंह नहीं धोया वही नाक फिर से चपटी हो जाएगी मैं नहीं धो रही थी विद्या क्या होगा अगर ऐसे कोई एकदम अपने बालों के लिए अगर कोई पागल हो मतलब मैं तो डिसाइड करके आई कि मुझे तो हेयर कट कराना है बट अचानक से किसी को सडनली एकदम बहुत ज्यादा प्यार आ जाए वहीं पे शूट छोड़ के भाग जाए कटिंग छोड़ के कि नहीं नहीं मत काटो मेरे बाल मुझे छोड़ दो उनको उनका कुछ नहीं पता मुझे लेकिन मैं बेहोश हो जाऊंगा पक्का ऐसा नहीं करूंगी कुछ भी वाओ पतले हो गए बाल काफी पतले हो गए यहाँ से देखिए डेंसिटी कितनी अच्छी आ रही है नीचे आते आते अभी देखिए लकीर सी हो जाएगी ये बताइए तो जॉर्डन ये आपकी फ्रेंच छोटी मैंने बना दी फ्रेंच छोटी बन चुकी है मैं कैसे देखूं मैं दिखाता हूँ आपको मिरर में एक बार टिल्ट एंड टिल्ट कर दो ऊपर से ऐसे देखिए ऐसे खड़े हो गए मैं आपको दिखाता हूँ आपकी फ्रेंच छोटी
वहाँ से पतली हो गई है तो अब मैं आपका हेयर कट शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपका एप्रन लगा लूँ। हाँ तो मैं पूछ रहा था क्या आजकल काफ़ी लड़कियाँ जो है ना कुछ एक्ट्रेस मॉडल्स हेड शेव ले रही हैं कर रही हैं, तो जैसे तनवी आजमी ने बाजीराव मस्तानी में फिर अपना हेड शेव लिया, डैंड्रफ सॉस ने भी लिया, वो तो लेती हैं मतलब वो तो बड़े बड़े लड़के भी शेव कर लेती हैं, तो आपका क्या लगता है अगर वुमेन को हेड शेव करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, हेड शेव करने में कोई बुराई नहीं है, अगर उन्हें पसंद है तो उन्हें करना चाहिए। अगर आपका हेड शेव करने के लिए कोई आपको ऑफर करे तो आप करेंगे हेड शेव? कर लूंगी अगर, हाँ अगर मुझे कभी अच्छा लगेगा तो मैं कर लूंगी, मतलब मुझे से कोई परहेज नहीं है कि मैं कभी हेड शेव नहीं करूंगी। अगर मुझे जरूरत होगी कि मैं बाल मैनेज नहीं कर पा रही हूँ एंड इफ देयर इज समथिंग वेरी फैशनेबल देन आई विल गो फॉर द हेड शेव। ओके गुड, कीप इट अप। जब भी आप नहीं कर सकती मतलब ये आप रिकॉर्डिंग बोल रही अब नहीं करोगी? नहीं नहीं, हाँ अगर मुझे वैसा लगेगा कि अब कोई और दूसरा चारा नहीं है बाल बचाने का। नहीं चारा नहीं, मतलब आप छोड़ दो, इन टर्म्स ऑफ फैशन आपको लगता है कि एक बार वुमन सुंदर लगती है? यस ऑफ कोर्स, वो जो बैक में आजकल चला हुआ है अंडरकट, यस पीछे जैसे छोटा, मैं वो जरूर करूंगी कभी। अच्छा कभी कभी, अभी नहीं अभी नहीं। छोटी से ही आपका शुरू कर दूंगा, तो मुझे यहाँ तक लेंथ रखनी है आपकी, ठीक है? ये जहाँ तक डेंसिटी मुझे मिल रही है, देखो लग जाने लगी। थोड़ी और छोड़ दीजिए, अच्छा एकदम अचानक से बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो फिर देखिए मैं बता रहा हूँ कोई भी काम आप जब अचानक कर रहे हो ना तो फिर वो सरप्राइजिंग होना चाहिए, फिर बोलो कि हेयर कट भी हो जाए और वो अच्छा दिखे नहीं तो बीच का हो जाएगा। तो जब आप बाल अगर 6 इंच काट रहे हो तो 2 इंच और काटने में कोई हर्ज नहीं, अगर आपको प्रोवाइडेड आपको अच्छा हेयर कट मिलने वाला है तो, है ना? तो मुझे थोड़ी डेंसिटी मिल जाएगी तो मैं बहुत अच्छा बाउंसी हेयर कट दे पाऊँगा, डेंसिटी नहीं मिलेगी तो फिर मैं भाई एक लंबी सी यहाँ से बाल कट जाए नीचे पूंछ सी रहेगी, तो आपका वो डेंसिटी नहीं आएगा तो आपका मज़ा नहीं आएगा, मतलब जैसे बाल खोलोगी तो वो वॉल्यूम बाउंस आना चाहिए, ठीक है ना? तो मैं यहाँ से काट रहा हूँ, ठीक है? छोटे तो नहीं होंगे? नहीं मैं क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, ये अपर हेयरकट है, इसके अंदर क्रंच लेयर्स हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं। मोबाइल बंद हो गया है? हाँ बंद हो गया, बंद हो गया, शॉर्ट हो गया। आपके हाथ पास में पीछे से कितनी लेडिंग है दीदी? पीछे कैसे बना तीनों पूरा से विजय तीनों लेंथ बहुत जितनी मैंने आपको बताई थी उससे मैंने 6 इंच ज़्यादा रखी है, देखिए है ना, मैंने आपको इतना बोला था इतना काटूंगा नीचे से उधर से उधर तक पहुँच, इसको आराम से सिंपल सा पानी दे दो ज़्यादा टाइम पौधे में बना रहने वाला है। तब भी बहुत ही अच्छा लगेगा, ये बहुत ही बोरिंग मोनोटोनस नहीं लगेगा आपकी पूनी जिंदगी।
इसको आप सेमी क्लिप करोगे। आप सेमी क्लिप मतलब हाफ क्लिप, कितना बाल लिया आपने इधर से उधर लिया तो इन बालों को ऐसे क्लिप करो तो आपके बाल लगेंगे। इसमें बाउंस रखेगा और आपका तेल थोड़ा बाल का लेंगे, ठीक है। और इसको अगर आप बनाना क्लिप करोगे तो आपको एक छोटी सी यहाँ पे क्लिप लगानी पड़ेगी। ये आपने सारे क्लिप ए पिन दो पिन दो पिन यहाँ रखी थे ये रखी अभी कितना हेल्दी लग रहा है बाल ना ठीक हाँ यार ने पूछा था मैंने कहा क्या क्या बन सकता है मुझे तो ये खोल के बहुत अच्छी लगती है हाँ बुरा नहीं लगा सब जगह से कैसा लग रहा है आपको हेयर कट? बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़े ज्यादा छोटे हो गए। कहाँ छोटे लग रहे हैं आपको? पूरे ही बाल छोटे हो गए पर अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। छोटे हो गए पर लग बहुत अच्छे रहे। आपको अपना लुक बदला हुआ लग रहा है? बिल्कुल।